सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल हरगुण सलूजा। तो आज मैं आपको एक फ्रूट के बारे में बताऊंगी जिसका नाम रामफल है। तो इसका नाम रामफल क्यों रखा गया तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसका रामफल इसलिए रखा गया नाम क्योंकि जब राम भगवान 14 साल के वनवास में थे तब ये फल भी वो खाते थे, इसलिए इसका नाम रामफल रखा गया। तो ये मार्केट में 100 रुपीस केजी में मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टमाटर की तरह दिखता है पर ये टमाटर होता नहीं है और इसके अंदर टमाटर जैसे छोटे छोटे बीज भी नहीं होते पर इसमें होते बड़े बड़े बीज, कुछ देखने में ऐसे हैं। तो इसके छिलके नहीं उतारने होते तो ये कट करके ऐसे दिखता है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीठा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जूसी है ये। तो मैं आपको बताऊंगी कि रामफल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो रामफल को इंग्लिश में कहते हैं सावर सॉप। तो चलिए पहले हम बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं। रामफल हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये पहला बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि रामफल एक रेमेडी है हेयर लॉस और एक्ने की, और रामफल में एनर्जी और आयरन भी होता है। तो अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो हमें सर्दियों में रामफल नहीं खाना चाहिए इससे, क्योंकि हमें कोल्ड और कफ हो सकता है। और जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें कम क्वांटिटी में रामफल खाना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा शुगर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।